भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अखिल भारतीय जलतरण प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल हासिल कर करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी की तैराक खिलाड़ी तन्वी राणे ने केवल करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी ही नहीं बल्कि समूचे पनवेल और रायगढ़ सहित महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। उसकी इस उपलब्धि पर विधायक विवेक पाटिल ने उसका विशेष अभिनंदन किया। करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के कार्यालय में विधायक विवेक पाटिल ने तन्वी का अभिनंदन किया, जहां पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, पनवेल शहर सचिव नितिन पाटिल, एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, तन्वी के प्रशिक्षक महेंद्र पाटेकर, पिता विकास राणे, रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के उपाध्यक्ष सुभाष देशपांडे, सचिव प्रकाश म्हात्रे, पंचायत समिति सदस्य प्रहलाद केणी आदि गणमान्य उपस्थित थे। 6 किलोमीटर की जलतरण प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल हासिल करने वाली तन्वी सेंट जोसेफ हाईस्कूल की छात्रा है। करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षक महेंद्र पाटेकर और प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस करने वाली तन्वी ने अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कामयाबी हासिल करने की ठान ली है, लेकिन इस दौरान उसने प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल उपलब्ध कराने के लिए एकेडमी के अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल को धन्यवाद दिए हैं। इंडियन नेव्ही इथे झालेल्या सी स्विमिंग ऑल इंडिया कॉम्पिटिशनमध्ये गर्ल्स 14-16 मला थर्ड प्राईज भेटलं आणि हे भेटलं ह्याच्यानंतर मी पुढच्या कॉम्पिटिशनची पण तयारी करते। हे प्राईज मला कर्नाळा स्पोर्ट्सनी पूर्ण वेळ पूल उपलब्ध करून दिलं त्याच्यामुळे भेटलं, म्हणून मी कर्नाळा स्पोर्ट्सचे आमदार विवेकानंद पाटील यांचे धन्यवाद। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल ने उसका अभिनंदन करते हुए वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी का परचम फहराएगी ऐसा प्रतिपादन किया। शुभेच्छा देतो आणि आता ऑल इंडिया लेव्हलला गेलेली आहे पण निश्चितच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सुद्धा ती सहभागी होईल आणि तिथे देखील अशा प्रकारचं 100% यश मिळेल असा विश्वास तिच्याबद्दल वाटतो। तिला आपल्या सर्वांच्या वतीने मी हार्दिक शुभेच्छा देतो।